हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। लास्ट क्लास में जो कंटेंट हम स्टडी कर रहे थे वो था हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें लास्ट क्लास तक हम ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड तक पहुंच गए थे। उसमें आपने रिवैल्यूएशन के भी कुछ कंसेप्ट समझे थे। बेटा आज हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और साथ में करेंगे रिवैल्यूएशन से जुड़ी हुई कुछ बातें। और बच्चे इसके ख़त्म करने के बाद हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस। वो कैसे कैसे करने हैं, उनमें आपको कितना टाइम कंज्यूम करना है, वो सारी बातें हमें देखनी है। चैप्टर अब ऑलमोस्ट अपने एंड की तरफ पहुंच जाएगा, क्योंकि जो अब मैं इसमें बता रहा हूँ वो लास्ट कंसेप्ट है। उसके बाद तो बस मुझे तुम्हें डिस्क्राइब करना है कि आप चीज़ों को कैसे कैसे करोगे। ठीक है बेटा, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अच्छे से समझना, आप इसे मेरे साथ देखें। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बेटा हर पॉइंट समझना है आपको। पहला पॉइंट, इसे रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कह देते हैं बेटा। IFR इज मेंटेन्ड फॉर एनी डिक्रीज, इस बात पे ध्यान देना है, इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्रीज होने के लिए IFR मेंटेन किया जाता है। इफ देयर इज नो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, IFR इज डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आता तो IFR को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। अगला पॉइंट, इफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स देन इट इज रिड्यूस्ड इन IFR एंड रिमेनिंग अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बेटा मैंने लिखा है अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो इसको रिड्यूस कर देते हैं पहले IFR में से, और उसके बाद ओल्ड रेशियो में उसको डिवाइड कर देते हैं। बेटा अभी जब क्वेश्चन करूंगा प्रैक्टिकली समझ में आएंगी आपको बातें। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट देन इट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो। मेरे प्यारे बच्चों आप ये सारी बात लिख लो, मैं आपको हर एक बात को बहुत डीपली एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप इन्हें लिख लो एक बार क्या है ये। तो बच्चे अब एक एग्जांपल लेते हैं IFR से, और पूरी तरह से आप फोकस करना और समझने की कोशिश करना कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है। पहली बात आप देखें, मान लेते हैं X एंड Y 3:2 में पार्टनर हैं, उनकी बैलेंस शीट में IFR 10,000 रखा हुआ है और इन्वेस्टमेंट यहाँ 1,00,000 दे रखी है। बेटा बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं, आपको एक एक चीज समझनी है मेरी, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। एडजस्टमेंट, मान लो अगर एडजस्टमेंट में आपको दिया होता
अगर कुछ नहीं होता, एडजस्टमेंट नील होती, अगर एडजस्टमेंट नील होती, कुछ भी नहीं बोलता, तो आप क्या करते? होल अमाउंट ऑफ IFR डिवाइडेड इन ओल्ड रेशो, आप IFR का सारा पैसा ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते भाई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज तो आया नहीं, तो आपने तो ऐसे ही रखा था, बांट लो। और बेटा मैंने कोई भी रिजर्व प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या बताई है? IFR डेबिट टू X की कैपिटल और टू Y की कैपिटल। 10,000 का IFR था बेटा, 6,000, 4,000। हाँ सर, ये केस तो हमें समझ में आ गया है बेटा, साथ में लिख लेना पोज करके। अब मैं सेकंड एडजस्टमेंट लेता हूँ। अगर एडजस्टमेंट सेकंड बच्चे कुछ ऐसी होती, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एट ₹94,000। अब आपके माइंड में एक बात आती है, अब आप मेरी वो हर एक लाइन पढ़ना जो मैंने पिछले में लिखाई थी आपको। मैंने बताया था IFR इसलिए मेंटेन होता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई डिक्रीज ना आ जाए। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्रीज आता है तो सबसे पहले IFR में से रिड्यूस करते हैं और बाकी उसको बांट देते हैं। अब प्रैक्टिकली समझाता हूँ। पहले केस में इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एंट्री नहीं थी, एडजस्टमेंट कुछ नहीं थी, यानी जो 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपने सारी अमाउंट डिवाइड कर दी ओल्ड रेशो में, पहली बात। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 94,000। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट अब 94,000 की रह गई, क्या आपके इन्वेस्टमेंट 6,000 से कम नहीं होगी? कम हो गई ना। अब क्या किया जाए सर? बेटा आपने IFR इसीलिए तो बनाया था कि कल को अगर वैल्यू कम हो गई तो यहां से सेट ऑफ कर देंगे। याद करो WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना क्लेम होता था एडजस्टमेंट में उसे छोड़ के बाकी हम सब बांट लेते थे, याद है ना आपको? अगर ₹10,000 रखा था, 6 का क्लेम है तो 4 बांट लिया, ऐसा था। सेम बेटा ऐसा, रिजर्व रखा था 10, 6 तो वैल्यू ही कम हो गई, 6 का तो नुकसान ही हो गया, तो 6 के नुकसान को पहले सेट ऑफ कर देंगे, फिर बाकी 4 पार्टनर डिवाइड कर देंगे। अभी एग्जांपल और है बेटा, आप समझो। तो अब क्या होगा? IFR डेबिट कितना कितना रखा था? 10,000, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितने से घटी? 6,000 से। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट 94 रह गई तो 6,000 से कम हो गई। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, कम होने पर क्रेडिट होती है। टू इन्वेस्टमेंट 6,000 से, तो बाकी 4 किसके? एक्स के और वाई के। कितना बेटा? 4 कितने? 3-2 की रेशो में। तो 3-2 का मतलब कितना होता है? 2400 और 1600। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको दो केस अभी दिखाए। अब पहले केस की बात लिख दो मैं, नोट। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 1,00,000 ही शो होगी इसमें, तो 1,00,000 ही शो होगी क्योंकि चेंज उसमें नहीं आया। और इसमें बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 94,000 शो होगी, सही बात है बेटा। इसमें आपने क्या देखा? 10,000 पार्टनर कैपिटल में डिवाइड कर दिए, 10,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, PCA का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं या क्रेडिट होंगे, और इसमें 4,000 PCA में क्रेडिट होंगे। तो बेटा ये अभी हमारे दो केसेस आपने देखे। पहला वाला वाज वेरी सिंपल, जो नॉर्मल बात होती है। सेकंड वाला, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई। अब मैं इसको यहां से हटाऊंगा और अगला केस यहां पर बना देता हूं। आप ऐसे वीडियो में ही रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम। तो ये मैंने हटा दिया बेटा, आप पोज करके लिख लेना बेटा, यहां कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यूट्यूब है, आप पोज करना आराम से, आप कर सकते हैं। केस थर्ड, मार्केट वैल्यू
ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 90,000। अब क्या बेटा, 1,00,000 वाली इन्वेस्टमेंट 90 रह गई, तो कितने से कम हो गई ये? 10,000 से कम हो गई। प्रॉफिट भी कितना था, IFR जो रिजर्व था वो कितना था? 10,000 था। तो सारा सेट ऑफ ही हो जाएगा। बटने के लिए कुछ बचेगा क्या? डिवाइड करने के लिए कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो एंट्री क्या, IFR डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी, कम हुई है। कितने से? सर 10,000 से। ये तो बड़ा आसान लग रहा है सब बच्चों को। तो अब क्या है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 90,000 शो होगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। केस नंबर 3 है बच्चे, अब वहां थोड़ा सा चेंज करूंगा बढ़िया वाला और आप कंसेप्ट को समझना। अगर यही क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 85,000 रह जाता, अब बात यहां पर लगेगी आके कि सर अब तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 15,000 का चेंज आ रहा है, 15,000 का, और रिजर्व कितना था? 10,000। तो कितना इन्वेस्टमेंट कम हो गया? 15,000 रुपए, और यहां तो था 10,000। अब क्या करें, 5 का नुकसान और 10, तो यहां पूरा कर लोगे लेकिन 5 का नुकसान और नुकसान के लिए कौन सा अकाउंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद करो जब क्लेम वाला क्वेश्चन किया था WCR का, और क्लेम WCR से ज्यादा हो गया था तो बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में गया था। अब मैं एंट्री कर रहा हूं, आप देखेंगे मेरे साथ, समझ में आएगी बच्चे आपको। IFR 10,000 से और इन्वेस्टमेंट कितने से गिरी? 15,000 से। तो क्या रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं होना चाहिए 5,000 से? हाँ सर, ये तो बात सही है आपकी। तो बच्चे क्या ये रिवैल्यूएशन में लॉस नहीं आ गया है? जी सर आ गया है। ठीक है इतनी बात, अब इस लॉस को भी तो डिवाइड करोगे रिवैल्यूएशन के। लॉस डिवाइड करने की एंट्री बच्चे कई बार पढ़ चुके हैं, एक्स का कैपिटल वाई का कैपिटल टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना था? 5,000। रेशियो कितनी? 3:2। आपको क्लियर है बेटा ये बात? कोई टेंशन तो नहीं है इसमें, पूछ लेना व्हाट्सएप पर। तो आपने ये बात समझ ली है, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको ऐसा बताया था, इस तरह से बनता है, आप याद कर रहा। 5,000 से डेबिट हो रहा है रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट 5,000 जाना चाहिए था, तो निकल के क्या आता रिवैल्यूएशन में? लॉस, जो एक्स और वाई में डिवाइड होता। तो वही बेटा मैंने करा लॉस एक्स वाई में डिवाइड करने का काम। कोई दिक्कत है? मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ, आप एक बार उसको पोज करके इसे नोट करना। केस हो गए हमारे बेटा, ये था फोर्थ केस, एडजस्टमेंट नंबर 4। अब 5th आएगी बच्चे, उसमें हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। फिफ्थ, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,20,000। अब तो बल्ले बल्ले वाली बात होगी बेटा, मैंने पहले ही लाइन लिखी थी कि IFR इसलिए बनता है कि किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर कोई कमी आती है तो हम उसे वहां से कर सकते हैं, लेकिन कमी नहीं आई इस बार, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। तो बढ़ गई तो बहुत खुशी की बात है, ट्रीटमेंट देखेंगे। सबसे पहले जब वैल्यू बढ़ी है तो IFR तो टच ही नहीं करना, पूरा पूरा बांट देंगे। IFR डेबिट टू एक्स की कैपिटल और टू वाई की कैपिटल। बेटा पूरा फोकस रखना यहाँ पे बना के, 10,000 था ये, 3:2 की रेशो 6:4। चलो जी इसकी तो बात हो गई खत्म, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 थी, वैल्यू 1,20,000, तो 20 से बढ़ गई। एसेट्स का बढ़ना फायदा,
एसेट्स बढ़ने पे होती है डेबिट, और बच्चे एसेट्स की वैल्यू का घटना और बढ़ना कौन से अकाउंट में जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आप एंट्री देखना एसेट्स बढ़ने की क्या थी, एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, यानी इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितनी बढ़ी, 20,000 से बढ़ी सर। लो जी, ये बढ़ गई 20,000। तो अगर आप रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना रहे होते और आपकी एसेट्स बढ़ी है इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के इस साइड बाय इन्वेस्टमेंट आप डालते 20,000 से, तो रिवैल्यूएशन में क्या निकल के आता सर, प्रॉफिट आता, और किसको मिलता, एक्स वाई को। तो आप एंट्री देखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डेबिट टू एक्स और टू वाई। हो सकता है बेटा वीडियो में कट रहा हो ये कंटेंट, अगर ऐसा होगा तो मैं उसे जूम कर दूंगा। 20,000 3:2 की रेशियो, 12,000 8,000। अब आप बेटा नोट करेंगे इसे, बेटा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे और उस बात को हम समझेंगे। बच्चे मैं वीडियो बहुत लंबी अपलोड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरी जो क्लासेस होती हैं वो DSLR से बनी होती हैं, तो 25-30 मिनट की वीडियो का ही साइज़ 30-35 GB के आसपास पहुँचता है। तो अगर इससे ऊपर के फाइल हम यूट्यूब पर जनरली वैसे अपलोड करते हैं तो वो फेल हो जाती है उस तरह से, तो उसका लिए पूरा सेटअप अलग से कुछ होता होगा। तो मेरा तो जनरली फेलर आया था अगर मैं बड़ी वीडियो बनाता हूँ, तो हम स्प्लिट करके वीडियो डालते हैं ग्रुप में। तो अभी जो हम आज कंटेंट कर रहे हैं इसमें हम ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी को लेंगे, और यहाँ तक के सारे क्वेश्चन होमवर्क में आप करोगे। जो नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं क्वेश्चन कॉपी में करूँगा, तो वो तो फ़ोन से बनती है, वो 35-40 मिनट भी बन जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। तो अभी हम रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन लेते हैं, 10 मिनट के अराउंड का हमारा कॉन्सेप्ट समझना है आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कॉपी वाले क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में बच्चे, ठीक है। और क्लास बिल्कुल अब एंड पे चल रहा है, चैप्टर ही हमारा बिल्कुल लास्ट ही आ रहा है। देखें एग्जाम्पल बेटा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन 3:2:1। They decided to share future profits equally. On reconstitution following changes took place. रिकॉन्स्टिट्यूशन पर ये चेंजेस हुए। फर्स्ट, अब मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, ये तो बुक वैल्यू और ये रिवाइज्ड वैल्यू। बेटा बुक वैल्यू का मतलब होता है जो बैलेंस शीट में है, और रिवाइज्ड वैल्यू जो अब रिकॉन्स्टिट्यूशन पे बन के आई है। लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी 10 लाख, रिवाइज्ड वैल्यू हो गई 11 लाख। प्लांट एंड मशीन 2 लाख, रिवाइज्ड वैल्यू हो गई 1.80। क्रेडिटर्स 1 लाख, रिवाइज्ड वैल्यू 60,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1 लाख, रिवाइज्ड वैल्यू 1.20। और थोड़ा सा और कुछ चेंज कर लेते हैं, चलो इतना ही रहने दो। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं आगे, गिव जर्नल एंट्री, व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन्ड ऑफ
गिव जर्नल एंट्रीज या जर्नल एंट्री बोलता है ऐसी कंडीशन में, या एडजस्टमेंट एंट्री व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट ओपन। तो बेटा आपको पूरी तरीके से अब इस कंसेप्ट को समझना है, बहुत बेहतरीन है ये। आप यहां देखेंगे, क्योंकि देखो मैं हटाऊंगा इसमें, इसमें बस इतनी बात लिखी है कि एक्स वाई जेड पहले 3-2-1 में पार्टनर थे और आज अपने रेशो इक्वल कर रहे हैं, यानी ओल्ड 3-2-1 और न्यू 1-1-1। ये चेंजेस आए व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन, जब क्या होता है बेटा याद करना, मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाया था। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसका मतलब वो रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, आप मेरे वो सारे नोट पढ़ना जो मैंने रिवैल्यूएशन के लिखा है आपको। अगर पार्टनर नई वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री होती है। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है ओल्ड रेशो में उसकी एंट्री की जाती है डिस्ट्रीब्यूट करने की, आपको बताया था। तो पहला केस अब मैं आपको करा रहा हूं, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा। बेटा मैं अकाउंट से भी कराऊंगा, जनरल एंट्री बताऊंगा आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, लेकिन आप फोकस करो, मैं समझा दूंगा आपको। लैंड एंड बिल्डिंग जो पहले 10 लाख की थी आज 11 लाख हो गई, 1 लाख से बढ़ गई। एसेट्स बढ़ने पर क्या होती है बेटा? डेबिट। तो एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप चेक करना एसेट्स बढ़ने की एंट्री लिखी है एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, कितने से बढ़ी? 1 लाख से। सर कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी एंट्री अब प्लांट एंड मशीनरी 2 से 180, जो प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की थी आज 180 रह गई, उसकी वैल्यू 20,000 कम हो गई। एसेट्स कम होने पर क्रेडिट होती है, तो दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितने से? 20,000 से। बेटा ठीक है, पोज कर सकते हो कहीं भी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मैं यहां से हटा देता हूं इन चीजों को अभी, क्योंकि मुझे तो अभी पूरा कराना है, जगह कम पड़ जाती है बेटा। थर्ड क्रेडिटर 1 लाख के थे 60 रह गए, जिन लोगों को 1 लाख रुपए देना था अब 60 देना है, तो 40 का फायदा, समझ गया? लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम होने पर डेबिट होती है। तो क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? 40,000 से। और फोर्थ आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 लाख थी 120, यानी जिन लोगों को 1 लाख देने थे सैलरी के अब उन्हें 120 देने हैं, फायदा हुआ नुकसान? नुकसान हुआ सर, कितना? 20,000 का। तो बेटा रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 20,000। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं एंट्रीज, इन रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दे बेटा। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट, वही पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस हम लिखते हैं, भूलना मत। वैसे तो आप पोस्ट इसके हिसाब से कर सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन याद करो मैंने आपको समझाया था कि एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना प्रॉफिट होता है, तो इस साइड आएगा, और एसेट्स का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान होता है तो इस साइड आएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब देखें लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी थी ना 1 लाख से, फायदा हुआ इधर, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से। प्लांट एंड मशीनरी घटी थी 20,000 से, नुकसान हुआ 20,000 से। क्रेडिटर घटे थे, फायदा हुआ 40 से, बाय क्रेडिटर्स 40। बेटा क्रेडिटर से
और आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ी थी 20 से, नुकसान हुआ। आउटस्टैंडिंग सैलरी 20 से बढ़ गई थी, नुकसान हो गया। अब आप टोटल कर सकते हैं इसका बेटा, तो इधर आ गया 140, 140 में से 40 गए तो कितना बचेगा, 1,00,000। ये क्या आ गया बेटा, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट, जो कि एक्स वाई जेड में ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगा, ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चे, मैं डिवाइड कर दूं, मैं यहां से ये एंट्री हटा देता हूं, चार एंट्री आपने लिखी ली होंगी। अब जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है बेटा, मेरी फिगर पॉइंट में जाएंगी क्योंकि मैंने रेंडम क्वेश्चन बना रखा है, तो ये लो 2xyz, तो 1,00,000 का प्रॉफिट आया है, 3:2:1 की रेशो थी, तो 3:2:1 में 50 इसको, 33,333 इसको और 16,667 इसको मिल जाता। आपकी बात समझ में आ गई है, और बैलेंस शीट में सारी नई वैल्यू जाती क्योंकि वो इसको ओपन करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों अभी दूसरी पिक्चर बाकी है, तो अब आप चाहोगे कि मैं इसे यहां से हटा देता हूं। अब आप समझना मेरे साथ, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट याद रखना, 1,00,000 कुछ चेक करा रहा है आपसे। ये मैंने हटा दिया, मैंने ये सब हटा दिया बेटा, पोज करके कर लेना कुछ भी करना हो तो। लो जी, मैं लिख दूंगा इसको सेकंड केस में, व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, वी कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन यूजिंग स्टेटमेंट। बेटा पहले भी लिखाया है कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करना तो हम इस प्रॉफिट को स्टेटमेंट के थ्रू निकालेंगे, ये भी समझाया था। इसका मतलब क्या है, ओल्डर वैल्यू विल बी कॉन्टिन्यू, कि पार्टनर चाहते हैं कि बुक में पुरानी वैल्यू कॉन्टिन्यू रहे। दूसरी बात, ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होता है इज डिवाइडेड इन गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आप नोट्स में चेक कर सकते हो जो मैंने आपको बनवाए थे, लिखवाए थे। ठीक है बच्चे, अब ये जो प्रॉफिट लॉस था उसे स्टेटमेंट से कैसे करते हैं, अब आपका ध्यान यहां होना चाहिए। हेडिंग डालेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये आपको हेडिंग डालनी है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। पहली बात, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी थी 1,00,000 से, फायदा था नुकसान था, फायदा आप लिखेंगे गेन ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितना हुआ था 1,00,000। प्लांट एंड मशीनरी 20 से कम हुआ था, लॉस हुआ था, तो ऐसे लिख देना लॉस ड्यू टू फॉल इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000। बेटा माइनस आइटम है, ब्रैकेट में लिखूंगा। क्रेडिटर कम हुए थे 40 से, फायदा हुआ था गेन ड्यू टू फॉल इन क्रेडिटर्स। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,00,000 थे, 1,20,000 देने नुकसान हुआ था, लॉस ड्यू टू राइज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना बेटा 20,000 माइनस में। अब आप टोटल करोगे तो भी तो 1,00,000 ही आया, तो बेटा आना तो 1,00,000 ही है, लेकिन हमने उसका तरीका बदल दिया, स्टेटमेंट से निकाल दिया। एक बात, मैंने वहां भी 1,00,000 आया था, और अब जो ये गेन आया है ये किस में डिवाइड होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सर फिर तो रेशियो भी निकालनी पड़ेगी, बेटा बिल्कुल निकालनी पड़ेगी, ओल्ड रेशियो 3:2:1, न्यू रेशियो 1:1:1, तो बेटा 1/6 आती है, मुझे तो पता है, आपको ही पता होना चाहिए, x 3/6 - 1/3,
सिक्स थ्री माइनस टू वन अपॉन सिक्स, वाई जीरो और जेड का माइनस वन अपॉन सिक्स। तो जेड बनेगा आपका कैसा पार्टनर? गेनिंग पार्टनर। और बेटा आप एंट्री कर दोगे गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो एक लाख का वन अपॉन सिक्स सोलह छ छ सात। डन बच्चे, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। नोट, बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू ही लिखी जाएंगी क्योंकि पार्टनर ने रिवैल्यूशन अकाउंट ओपन नहीं किया। तो बेटा अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसके बेसिस पर अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को करना। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन की वीडियो ही अपलोड करूंगा। टेक केयर बच्चे।